Hey guys, welcome back to my channel. Today I have another video for you all, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने फेवरेट Maybelline products. So yes guys, Maybelline के हद तक सारे ही products मेरे फेवरेट हैं, but मैं इस वीडियो में आपको अपने top 5 products दिखाने वाली हूँ. And मैं इस वीडियो में कोई भी lipsticks include नहीं करूँगी guys, because अगर मैं lipstick include करूँगी so video will be like endless. सो या मैं लिपस्टिक्स इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी. मे बी शायद उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बट इस वीडियो में मैं अपने लिपस्टिक्स के अलावा जो मेरे टॉप फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम Maybelline, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. बट बिफोर दैट गाइज, इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड नेक्स्ट टू दैट देयर इज़ अ बेल आइकन, डू हिट दैट आउट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम I upload any new video. So yeah, now let's get into the video. First product that I have is one of the cult favorite product from Maybelline, that is their Maybelline Fit Me foundation. I'm in the shade 310 Sun Beige, and that is matteless plus poreless foundation, suitable from oily to normal skin. अगर आप नॉर्मल स्किन टोन के हो, इट विल गोइंग टू बी गुड ऑन स्किन. अगर आप ऑयली स्किन के भी हो, देन यू विल गोइंग टू लव दिस फाउंडेशन गाइज, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स यू डेमी मैट फिनिश. एंड इफ़ यू आर ऑन दी ऑयलियर साइड, आई थिंक यू विल बी इन लव विद दिस फाउंडेशन. आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है सभी ने यूज़ किया होगा. बट अगर आपने नहीं किया है, प्लीज़ एक बार ट्राई करो. इसकी जो ये ट्यूब है, that retails for only 299 rupees guys. अगर आपको ये सेल पे मिलती है so आप कभी कभी इसे under 299 भी ले सकते हो. Sometime it comes around in 150 also. So if you're lucky enough, you can easily get it on. But the actual price of this tube retails for about 299 rupees. And if you talk about the coverage of this particular foundation guys, this provides you up to medium coverage. And you can absolutely build it up to high coverage also. So yeah, that is how you can use this foundation. And that is pretty amazing guys. Means aapko budget mein bahut hi acha foundation milta hai. And completely matte ho jata hai. Agar aap oily ho, bahut zyada oil production aapke face pe hota hai, tab bhi ye kaafi had tak usko control karega. And yeah, that's pretty much it about this foundation. अगर आपने नहीं ट्राई किया है, ट्राई विद दिस स्मॉल ट्यूब. एंड इफ़ यू हैव ट्राइड इट, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दी फुल साइज प्रोडक्ट. सो या दैट इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट. राइट गाइस, सो सेकंड प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ दिस वन, दैट इज़ देयर इंस्टेंट एज रिवाइन कंसीलर. एंड आई एम इन द शेड सैंड गाइस. इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 शेड्स मिल जाते हैं, एंड दैट रीचेज फॉर अबाउट 650 रुपीज़. एंड गाइज, लेट मी टेल यू, अगर आप बजट में फुल कवरेज और अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. ये इतना अमेजिंग कंसीलर है, आपको आप किसी भी स्किन टाइप के हों, वेदर यू आर ऑयली, वेदर यू आर ड्राई, यू विल बी इन दिस, यू नो, यू विल गोइंग टू लव दिस कंसीलर फॉर श्योर, बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से आपके स्किन पर ब्लेंड होगा. एंड द कवरेज इज़ outstanding with this concealer. Let me tell you guys, आपको किसी भी high end concealer की ज़रूरत नहीं है. If you have this, I think you are sorted. And let me tell you how this looks like. So आप जैसे ही product open करते हैं, this is how the product looks like. So ये कुछ इस तरीके की packaging में आता है, and you have to like twist it like this, and then you can apply like this. और आप बड़ी ही आसानी से इसे ब्लेंड कर सकते हैं. मींस दीज आर नॉट लाइक दोज प्रोडक्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लेंड करने के लिए, या फिर आप जैसे ही अंडर आई पे लगाते हैं तुरंत ही वो ड्राई आउट हो जाता है. दिस इज़ नॉट लाइक दोज प्रोडक्ट गाइज. आई वुड से दिस इज़ नॉट अल्ट्रा अफोर्डेबल, बट अगेन दिस इज़ ऑन द अफोर्डेबल साइड. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड अमेजिंग कंसीलर्स, आई थिंक दिस विल गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सो या दैट इज़ माई अनदर, or I would say the second favorite product from Maybelline. Another product that I have is again from Maybelline, of course we are talking about Maybelline, is Maybelline's loose powder. I'm in the shade 20. And guys, if
यू आर लुकिंग फॉर गुड पाउडर, लूज पाउडर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. दिस इज़ सच एन अमेजिंग लूज पाउडर. अगर आप बेकिंग में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको बेकिंग के अलावा भी अगर आप नॉर्मल भी फेस अपना यू नो पाउडर से सेट करना चाहते हैं एंड लुकिंग फॉर गुड पाउडर, दिस इज़ सच एन अमेजिंग पाउडर गाइज. कवरेज एंड द शेड्स दैट यू गेट इन दिस पर्टिकुलर रेंज इज अमेजिंग. दैट रिटेल्स फॉर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 650 or 750, I would say little expensive. But guys, if you are looking for good powder, this is so mild on your skin. आप जैसे ही लगाते हो, it's not like those powders जो आपके skin पे जैसे ही आप लगाते हो that just sits there and वो कुछ cast छोड़ देते हैं. It's not like those products. जैसे ही आप इसे अपने face पे लगाओगे, it will going to like you know set your face into matte and it will not going to give you any kind of cast on your face. This is so mild and of course सेटिंग के लिए तो ये बेस्ट है ही, बेकिंग के लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है. अगर आप नॉर्मल सेटिंग भी करना चाहते हो, समटाइम्स यू नो वी आर नॉट इन अ मूड टू अप्लाई फाउंडेशंस एंड एवरीथिंग, एंड सो आई थिंक यू कैन नॉर्मली अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, सेट योर फेस विद दिस पर्टिकुलर पाउडर एंड यू आर गुड टू गो. सो अगेन आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर्स आई हैव कम अक्रॉस. सो या इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर दिस, दिस इज़ such an amazing product guys, you can definitely give it a try on this one. My fourth product from Maybelline is this Maybelline push up drama mascara. And guys, let me tell you, agar if you don't know how to apply fake lashes or if you're not interested or if you don't have fake lashes aur agar aapko pasand nahi hai lagana, so this is a saver for you. Agar aap isko use कर रहे हो, यू नो हाउ अमेजिंग दिस पर्टिकुलर मस्कारा इज़ एंड इफ़ यू हैवेंट यूज्ड इट गाइज, प्लीज़ टू गिव इट अ ट्राई. ये वॉशेबल एंड वाटरप्रूफ दोनों ही वेरिएंट्स में आता है. एंड व्हेन यू अप्लाई दीज यू नो दिस मस्कारा ऑन योर आई लैशेज, द लुक दैट इट प्रोवाइड्स यू इज़ सिमिलर टू फेक आई लैशेज, राइट? सो यू हैव टू बी लाइक लिटिल बिट केयरफुल वाइल अप्लाइंग दिस मस्कारा, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लगा लोगे, इट विल गोइंग टू लुक क्लम्जी ऑन योर स्किन, नॉट ऑन योर स्किन आई वुड से ऑन योर आई लैशेज. बट अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे, दिस लुक्स अमेजिंग एंड सिमिलर टू फेक आई लैशेज. सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग मस्कारा गाइज. एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर नॉट इन टू दीज काइंड ऑफ मस्काराज, आई वुड से ये तो वाटर प्रूफ वर्जन है. अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते हो, यू कैन गो फॉर हाइपर कर्ल मस्कारा ऑल्सो. दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये अराउंड आपको 600-700 का कॉस्ट करता है. दैट रिटेल्स फॉर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 350-450. समटाइम्स यू गेट अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग मस्कारा गाइज. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दिस वन, यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड देर इज़ अनदर मस्कारा गाइज, आई हैव रन आउट ऑफ दैट मस्कारा, सो आई डोंट हैव इट. बट दैट इज़ द पिंक वर्जन ऑफ मस्कारा, दैट इज़ देयर Maybelline Lash Sensational one. That is also one of the amazing mascara guys. I mean Maybelline mein you can pick any mascaras, you will be in love those mascaras, right? So you can pick any one of those mascara. Every mascara in Maybelline range is actually amazing. So yeah, these were my recommendation. And the last product, because I have showed you two products this time, so I have actually completed five, but these are just options guys. So the last product that I have is again from Maybelline, and that is their Maybelline Master Chrome Highlighter. So this is how the product looks like. And guys, that is in the shade Molten Gold, and that is how the product looks like. And you will be amazed guys, look at the shade. You don't want anything beyond this one. This is such an amazing highlighter. Means I'm not sure, I have already applied the highlighter. I mean like look at this guys. And if you're following me, aap sabko pata hoga I'm like a highlighter person. And one more thing guys, if you would like to have this makeup look, please let me know. I'll definitely
post that look also if you would like to see that look. So yeah, that is my another product from Maybelline, that is their molten gold shade mein jo ye highlighter hai. This is amazing guys. Aur agar aapko dusra shade bhi try karna hai, inka ek rose gold wala bhi shade aata hai, that is also amazing, but I think for my skin tone this shade is good enough. So yeah, that is my last product guys. And if you talk about the price, I think aapko ye product bhi around 500 mein mil jayega. So yeah, that is my fifth and last product. All right guys, so that's pretty much it for today's video on all of my top picks from Maybelline. So agar aapko ye video thodi si bhi interesting lagi ho aur aapko thoda sa bhi maza aaya ho, don't forget to give this video a big cat thumbs up and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. And guys, next to that there's a bell icon, please usko hit kar dena taki aapko जितनी भी नोटिफिकेशंस हो आपको वो सारी मिल सके. एंड वेन एवर यू विल गोइंग टू हिट दैट बेल आइकन, उस पर आएगा ऑल पर्सनलाइज्ड, उसको क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आराम से. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ स्टे ट्यून अंटिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ. थैंक यू सो मच, बाय.